नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बारामूला में उड़ी जैसा हमला किया नाकाम, दो आतंकी ढेर। नियंत्रण रेखा के पार आतंकी लॉन्च पैडों पर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के महज चार दिन बाद ही जम्मू और कश्मीर के बारामूला में देर रात बीएसएफ और आसपास के सैन्य शिविरों पर आतंकवादियों के हमले में बीएसएफ जवान शहीद हो गया जबकि एक अन्य घायल हो गया। हमले के बाद जवानों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने बताया कि शहीद हुए जवान की पहचान कांस्टेबल नितिन के रूप में की गई है और घायल हुए एक अन्य जवान की पहचान कांस्टेबल पुलविंदर के रूप में हुई है। दोनों सीमा सुरक्षा बल की 40वीं बटालियन के जवान थे। खुशखबर, अब पीएफ गिरवी रखकर खरीद सकेंगे मकान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 4 करोड़ से अधिक अंशधारक अपने भविष्य निधि को गिरवी रखकर सस्ते मकानों की योजनाओं में घर खरीद सकेंगे और अपने खातों में इसकी मासिक किश्त का भुगतान कर सकेंगे। अगले वित्त वर्ष से यह संभव हो सकेगा। ईपीएफओ केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने कहा, हम ईपीएफओ के अंशधारकों के लिए आवासीय योजना पर काम कर रहे हैं। हम मार्च के अंत तक पीएफ निकासी की ऑनलाइन सेवा शुरू होने के बाद 2017-18 में इस योजना को पेश कर सकते हैं। जॉय ने कहा कि इस योजना के तहत अंशधारक अपने पीएफ को गिरवी रखकर मकान खरीद सकेंगे और अपने ईपीएफ खाते से आवास ऋण की ईएमआई का भुगतान कर सकेंगे। नकली सिक्के बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी। बाहरी दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में नकली सिक्के बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस ने लगभग 600 किलो से ज्यादा सिक्के बरामद किए हैं। इस दौरान नरेश नाम के एक शख्स को भी मौके से पकड़ा गया है। छापे में पुलिस को 5 और 10 रुपए के नकली सिक्के बनाने का सामान बरामद हुआ। पुलिस का कहना है कि कुछ महीने पहले ये गिरोह उत्तर प्रदेश के दादरी में सिक्के बनाने का काम कर रहा था। वहां छापा पड़ने के बाद ये गोरख धंधा दिल्ली में शुरू कर दिया गया। फिलहाल पुलिस गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। पुलिस जल्द ही गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार करने की बात कर रही है।